हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सेवाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर तक। उत्तर प्रदेश में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजियां एवं अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी पर भी प्रतिबंध रहेगा। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। स्टेट ट्री है अशोका, फ्लावर प्लास, एनिमल है स्वयं डियर, बर्ड है सारा स्क्रीन, मेन डांस है कथक, रासलीला चोलिया, नौटंकी और चरगुला, मेन रिवर है बेतवा, सरजू चंबल, सोन केन एट्सेट्रा, नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पी के स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 47 टीचर्स यानी 47 शिक्षक। देश भर के 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जरी का गठन किया था। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों से शिक्षकों का चयन साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में से किस IIT संस्थान ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी को प्रौद्योगिकी आधारित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के उद्योग की सहायता की क्षमता है, जिसमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वनाथ नारायण ने आज घोषणा किया कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे को व्यापक बनाएगा। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। चलिए आपको कर्नाटक के बारे में आते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्री वजूभाई वाला, कैपिटल बंगलोर, फर्स्ट CM के चेंगला रेड्डी, फर्स्ट गवर्नर JHM राजेंद्र वड़ियार, लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक का हाईकोर्ट कर्नाटक में ही है। चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओकाजी। स्टेट ट्री है सैंडलवुड, फ्लावर लोटस, एनिमल एशियन एलिफेंट, बर्ड इंडियन रूलर, स्टेट डांस है यक्षगान, नेशनल पार्क है नागरहोल, बंदीपुर, अंसी, भद्र टाइगर रिजर्व, डैम्स है तुंगभद्रा, कृष्णा राजा सागर,
बात करें मेन रिवर्स की, कावेरी, मांडवी, कृष्णा, तुंगभद्रा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में कर्नाटका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए। असम में सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशिया। रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को ही अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार की है। चलिए चलते हैं अब आपको रशिया के बारे में बताते हैं। रशिया की कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल। नेशनल लेक 12 जून। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे की बात करें तो रशिया का ही है। रशिया के पास 8400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया के नेशनल गेम की बात करें तो बैंडी, बर्ड ईगल, फ्लावर है कैमोमाइल, एनिमल रशियन ब्राउन बियर, पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20,000 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। इस OMO का परिचालन 2 चरणों में किया जाएगा। RBI ने कहा है कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। चलिए चलते हैं अब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ओस्मानी स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर श्री डी देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के जी जोशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 मिलियन डॉलर्स। इस परियोजना से मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों के यात्रा समय में और जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। अनुमान के अनुसार इस परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिला यात्री भी शामिल हैं जो बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होंगी। यह परियोजना सड़क आधारित परिवहन की तुलना में तेज, अधिक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करके मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशीलता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान में सहायता करेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 600 विकेट। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800, ऑस्ट्रेलिया के सेन वान 708 और भारत के अनिल कुंबले 619 हैं। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले कोई पहले गेंदबाज बने थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का 563 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स
एंडरसन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 4.5%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दी गई हालिया डाटा के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू होने के बाद से महिलाओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए के 15 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। राज्यों में 58,227 करोड़ रुपए के ऋण के साथ महिला लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 55,232 करोड़ रुपए और कर्नाटक में 47,714 करोड़ रुपए का स्थान आता है। चलिए अब आपको तमिलनाडु के बारे में बताते हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तिरुविडापट्टी के पलानीस्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बनवारीलाल पुरोहित, कैपिटल चेन्नई। फर्स्ट सीएम ए सुब्बारायलु रेड्डियार। फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाई। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल है पोंगल। बात करें तमिलनाडु का हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस है अमरेश्वर प्रताप शाही जी। स्टेट ली है पांग, फ्लावरा गुलरिसा लिली, एनिमल है नीलगिरी थर। स्टेट बर्ड है एमरल्ड डव। ट्रेडिशनल डांस जो कि भरतनाट्यम है। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, एनामली टाइगर रिजर्व, मधुमलई डैम से मेट्टूर, वैगई, भवानी सागर और अमरावती। मेन रिवर्स है कावेरी, वैगई और अमरावती। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में तमिलनाडु। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी से बक्से का वितरण किस संगठन द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी KVIC, यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC। प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 700 से अधिक मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं। 500 खेरों में KVIC के प्रशिक्षण केंद्र में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बक्से वितरित किए गए हैं। किसानों, आदिवासी लोगों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए 3 साल पहले हनी मिशन KVIC द्वारा शुरू किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ARIES, यानी कि ARIES, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस ARIES, नैनीताल में एरोसोल एयर क्वालिटी क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्स एंड लाइवलीहुड्स ऑन द ग्रेटर हिमालय पर एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ARIES विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। क्या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ 14 से 16 सितंबर 2020 के बीच इस सम्मेलन का आयोजन करेगा? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजना का परिव्यय 11,427 करोड़ रुपये है और इसमें 1,361 किलोमीटर की लंबाई वाली परियोजनाएं भी शामिल है। मंत्री ने मध्य प्रदेश के लिए सड़क क्षेत्र में उपयोग करने के लिए केंद्रीय सड़क नीति से 700 करोड़ रुपये की घोषणा की है। चलिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल भोपाल। फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में है। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। स्टेट ट्री है बनियान, फ्लावर लिली, एनिमल है बारासिंगा। स्टेट बर्ड है दूधराज। मेन डांस है मटकी राई नौराता। मेन रिवर है सिपरा, कुंदा, सोन, चंबल, महानदी। नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार। माधव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। डैम से इंदिरा सागर, बंसागर, गांधी सागर डैम।
चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के 27 अगस्त के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बातें हैं। 27 अगस्त 1859 को टाटा स्टील की नींव रखने वाले दोराबजी टाटा का मुंबई में जन्म हुआ। 1859 में एडविन ड्रेक द्वारा प्रथम तेल टिटल्स विलेपेन के पास निकला गया। 1869 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ टेम्स नदी पर पहली अंतर्राष्ट्रीय नाव की दौड़ का आयोजन किया। 1908 में विश्व के महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का जन्म हुआ। 1939 में जेट ईंधन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से पहली उड़ान भरी थी। 1958 में नापतौल की मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। 1967 में ईस्ट कोस्ट रेसलिंग एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1972 में भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली का जन्म हुआ। 1976 की बात करें तो भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम मिलिट्री नर्सिंग सेवा के निदेशक नियुक्त हुई। 1999 में सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मैरिन इंजीनियर बनी थी। बात करें 2003 की तो 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद मंगल पृथ्वी के सबसे नज़दीक पहुंचा था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर के किस हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंड मौजूद हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाथ की हथेली यानी कि पाम ऑफ द हैंड। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टेडे क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन हुआ है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PKS Mastery सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।